हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने आर्क ब्लो के बारे में पढ़ा था और देखा था कि क्या क्या फर्क पड़ रहा था, जो आर्क हमारी डिफ्लेक्ट हो जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था, उससे आर्क ब्लो हो जा रही थी, जिसमें वर्क पीस में जो हीट कंसंट्रेशन थी वो कम हो जा रही थी। उसके बाद हमने उसके कुछ तरीके भी पढ़े थे कैसे रोका जा सके आर्क ब्लो को। जैसे मैंने आपको बताया, एसी का यूज़ करेंगे, तो ये सब चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोड को स्पेसिफाई करना सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड को स्पेसिफाई कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन। देखो, उसको डेजिग्नेशन भी बोलेंगे। इसका कैसे डेजिग्नेट होता है, देखो इस तरह से लिखा होता है, और ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस तरह से कुछ भी लिख देंगे, 2, 4, 1, 1, और ये पी, इस तरह से होता है। देखो, सबसे पहली बात, ये जो स्टार्टिंग में आता है ये क्या है, इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर कैसे होता है। ई क्या मतलब है, ई से क्या लिखेंगे आप, ये सॉलिड एक्सट्रूजन से होता है। अगर सॉलिड एक्सट्रूजन से, अगर यहां पर ई की जगह आर भी लिखा होगा तो उसको क्या लिखेंगे, एक्सट्रूजन तो होगा विद रीइन्फोर्समेंट, हैवियर इलेक्ट्रोड होगा। पहले लाइन का मतलब समझ, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। और इलेक्ट्रोड में एक बात मेरे को याद आई, इलेक्ट्रोड में जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में फ्लक्स कोटिंग बताया था, तो उसमें एक सेलुलोस भी होता है, सेलुलोस की कोटिंग भी होती है। सेलुलोस, सेलुलोस क्या है, एक कार्बन और हाइड्रोकार्बन है एक तरह का। तो जो इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक गैस है हमारी, जो ऑक्सीजन है, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उससे सी और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बन जाता है। सेलुलोज भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कोटिंग है, सेलुलस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आया है, तो ये मैंने इसलिए आपको बता दिया। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरा, ये इलेक्ट्रोड की कोटिंग कैसे है। सेकंड में क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग। जैसे कि सेकंड की बात करते हैं, जैसे 1, 2, 3, जैसे अगर यहाँ पर 1 है तो उसका मतलब है हाईली सेलुलोस कोटिंग है, हाईली सेलुलोस कोटिंग है। अगर 2 लिखा होगा तो हाईली टाइटेनियम की कोटिंग है इसमें। ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जो इसकी कोटिंग होती है उससे क्या क्या फर्क पड़ रहा था। थर्ड, अगर ये हाईली आयरन ऑक्साइड की कोटिंग हुई तो 3, ऐसे और भी है। तो आपको कोई पूछे कि ये सेकंड वाले में क्या होता है, आप इलेक्ट्रोड की कोटिंग बता सकते हैं। क्या, इलेक्ट्रोड कोटिंग सेकंड, और ये वाला फर्स्ट। नेक्स्ट की बात करें, इलेक्ट्रोड पोजीशन, इसकी इलेक्ट्रोड पोजीशन, जैसे यहां 1 लिखा था, यहां पर 0 भी हो सकता है। कहां से शुरू होता है, 0 से होता है, 0, 1, 2, 3, इस तरह से चलता है। 0 मतलब ऑल पोजीशन, 0 मतलब ऑल पोजीशन में वेल्डिंग हो सकता। पोजीशन कौन कौन सी, मैंने फ्लैट बताई थी आपको, हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताई थी, वर्टिकल में 2 बताई थी, एक अप होती है, एक डाउन होती है, और एक ओवरहेड को ओ से डिनोट करता है। सभी पोजीशन आपसे वेल्ड हो जाएंगे। और जब ओवरहेड वेल्डिंग नहीं होगी, एक्सेप्ट ओवरहेड, ओवरहेड नहीं होगी। तो इस तरीके से ये पोजीशन, इलेक्ट्रोड की पोजीशन बताता है। नेक्स्ट क्या बताता है, इलेक्ट्रोड पोलैरिटी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या बताएगा, इलेक्ट्रोड पोलैरिटी। इलेक्ट्रोड पोलैरिटी का कैसे होगा, यहां देख लेते हैं। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये जो है फोर्थ मार्क, इस तरह से आपको इस तरह से करके दिया जा सकता है कि इसको बताओ क्या होगा। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, कैसे बताएंगे इसको, जैसे 0, इसमें अलग अलग हैं, 3, इस तरह से है। अगर 0 होगा तो वो क्या है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। क्या, डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। 1 के लिए डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, और जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये सब बुक में ऐसे ही मेंशन है, और ये स्पेसिफाई करने का तरीका है।
ठीक है, ये किसने स्पेसिफाई किया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के अकॉर्डिंग है ये। ओके, तो क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होगी किसके अकॉर्डिंग ये चीज आप बता रहे हैं। ओके, एक आधा और था, जैसे कि दो नंबर है, DC इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ओके, जिसमें ओपन सर्किट वोल्टेज 90 वोल्ट हो और शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो, 60 एम्पेयर हो, इस तरीके से बुक्स में मेंशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोलैरिटी का क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोड पोलैरिटी का। नेक्स्ट आता है ये जो 411 लिखा है, क्या लिखा है? 411, 411 में आप साथ साथ नोट करते रहें। जो 4 लिखा है ये क्या बताता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है। क्या चीज? टेंसाइल स्ट्रेंथ। और 1 यील्ड स्ट्रेंथ, और ये वाला 1, तीसरा जो 1 है वो क्या बताएगा? परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन। ओके, तो इसलिए ये सब चीजें जानना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें ये चीज बताता है। लास्ट में एक मैन्युफैक्चरिंग कोड भी होता है, वो जो जिसने इलेक्ट्रोड बनाई है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, या कुछ कह सकते हैं कि स्पेशल इंफॉर्मेशन इस इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया गया कि ये इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कह सकते हैं मैन्युफैक्चर कोड भी बोलते हैं उसको। ओके, और यहां पर ये जो लास्ट में पी लिखा रहेगा या एस लिखा रहेगा, पी मतलब डीप पेनिट्रेशन के लिए है और एस मतलब लेस पेनिट्रेशन के लिए होगा। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में हमने ये कोटिंग्स के बारे में इसके फायदे पढ़े थे कि कोटिंग्स के क्या क्या फायदे हो रहे हैं, अब इसके थोड़े से नुकसान भी पढ़ लेते हैं कि इसके लिमिटेशन क्या है फ्लक्स कोटिंग के। देखो सबसे पहला जो नुकसान है इसका है स्लैग इंक्लूजन, स्लैग, ये चीज आपको क्लियर होगी होगी, बस इतना ही है इसमें कि 4 किसके लिए बताएगा, 2 किसके लिए बताएगा। यहां पर आपसे ये पूछ लेगा 0 लिखा है, 0 किसके लिए होता है, तो आपको तो हल्का सा एक बार इसको याद रखना है, बहुत इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे चलते हैं, जो कि चीज इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। देखो आपसे कोई ये पूछ सकता है कि ये जो स्लैग है, ये जो फ्लक्स कोटिंग है, इसकी लिमिटेशन क्या है? देखो सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, इसमें स्लैग का जो इंक्लूजन हो सकता है, क्या हो सकता है? स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन कैसे? देखो जो हमारा ये वेल्ड बीड बनती है, एक ऊपर की साइड मैंने आपको बताया था कि स्लैग बन जाता है। ओके, अब हमारा पता है कि इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी वर्कपीस के अंदर है तो स्लैग भी हमारा बनता है, तो उससे कुछ हमारा स्लैग किसमें, लिक्विड मेटल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाए, स्लैग तो एक तरह की इम्प्योरिटी है, उससे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जब लिक्विड मेटल हमारा सॉलिडिफाई होगा, स्लैग उसके अंदर ही रह जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ना, ये इलेक्ट्रोड आपने दिया, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर कुछ स्लैग बनता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, कुछ इस ज्वाइंट के अंदर चला जाता है, तो ये भी लिमिटेशन आपसे पूछ सकते हैं कि इसका गलत क्या चीज है इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा, हाइड्रोजन का इम्ब्रिटलमेंट हो जाता है, हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का इम्ब्रिटलमेंट मतलब क्या, हाइड्रोजन उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है। अब अगर कोई इलेक्ट्रोड ऐसी है कि जो बेयर्ड है या उस मॉइस्चर उसके अंदर है, अगर आपने इलेक्ट्रोड को कुछ दिन बाहर रखा तो उसके अंदर एटमॉस्फेयर से रिएक्शन होगी और उसने मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया फ्लक्स कोटिंग में। ठीक है, तो ये जो मॉइस्चर है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि वाटर है, तो किसमें बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर जब आर्क डेवलप होगी, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उस ज्वाइंट के अंदर ट्रैप हो जाएगी, उस ज्वाइंट के अंदर ट्रैप हो जाएगी, हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगी क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बनने लगी और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की तो साथ चलो स्लैग ने बना के कुछ भी सिलिका ऑक्साइड वगैरह बना के स्लैग बन के हल्का होता है, डेंसिटी ऊपर आ गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या नहीं आएगा और वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे वहीं के वहीं धस जाता है, वहीं के वहीं फंस जाता है। ठीक है, तो और हाँ, अगर ऑक्सीजन भी नहीं निकल पाई, ये भी नुकसान है, ऑक्सीजन से क्या होता है, पोरोसिटी बनता है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, डैम्प्ड इलेक्ट्रोड्स की वजह से हो रहा है, डैम्प्ड इलेक्ट्रोड्स।
मतलब जो उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स तो बेयर्ड थे, उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग है, फ्लक्स की कोटिंग ने जब एटमोसफेयर से रिएक्शन करा, डैम्पिंग होगी उसके अंदर, वाटर का कुछ एडिशन हो गया। तो इसीलिए अगर डैम्प्ड इलेक्ट्रोड्स हैं तो इसका भी तरीका है, अगर आपके पास डैम्प्ड इलेक्ट्रोड्स हैं तो उसको क्या करो, पहले ओवन में आप आई थिंक 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको हीट करो, पहले उसको प्री हीट करो ताकि उसका मॉइस्चर उड़ जाए, तो उसमें ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन ना रहे, वो ऑक्सीजन रहे, उसके बाद उसकी आर्क वेल्डिंग करो। ओके, तो ये सब चीज है। अच्छा, ये जो मैनुअल आर्क वेल्डिंग है उसको, जैसे एक नंबर में एक बार क्वेश्चन आया था तो उसको भी आप याद रखें, स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं उसको। मैनुअल आर्क वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, स्टिक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, स्टिक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, ये भी एक नंबर में आप याद रखें। ओके, किसको बोलते हैं, मैनुअल आर्क वेल्डिंग में। ओके अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन और आया था इसमें कि वीकेस्ट पोर्शन कौन सा होता है वेल्ड जोन में, मतलब पूरा वेल्ड मेटल में, HAZ, हीट इफेक्टेड जोन सबसे वीकेस्ट पोर्शन होता है। मैंने आपको बताया था उसमें कोर्सर ग्रेन्स डेवलप होती हैं, है ना, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं, हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट भी वहीं होता है जाके। तो ये था फंक्शन। अच्छा, आपसे कोई अगर एक और क्वेश्चन, ये तीन चार क्वेश्चन एक्चुअली मैंने नोट किए हुए थे, मैं आपको बताऊंगा लेक्चर करने से पहले, ठीक है। ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पक्का पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक, अगर आप वेल्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपको आने चाहिए। अब आपसे कुछ, इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोड से हम क्या करते हैं, आर्क जनरेट करते हैं, और वो क्या करता है, एक्ट एज अ फिलर मटेरियल। एक तो इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या है, ये एक नंबर में या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लगेंगे हम, मैं लेक्चर में बताते हुए 5 मिनट लग रहे हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज से आप उसको हमेशा याद रख सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा हर चीज बेसिक से लेके चलता हूँ, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट हाई लेवल पे जाऊँ। जाएंगे हम धीरे धीरे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोड का जैसे मैंने फंक्शन बताया, क्या एक तो आर्क जनरेट हो जाती है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और क्या है, फिलर मटेरियल, एक्ट एज अ फिलर मटेरियल। ठीक है, चार पांच क्वेश्चंस थे कि हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, तो ये सब चीजें हमें पढ़ रही थी। ओके, तो अभी तक हमने इसका बेसिक लेवल पढ़ा, जो भी हमने वेल्डिंग के बारे में पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक था, लेकिन इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, ठीक है। फ्लक्स कोटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कैसे डीऑक्सीडाइजिंग होता है, स्लैग फॉर्मेशन हो जाती है, आर्क को स्टेबलाइज भी करता है और वेल्डिंग की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। ओके, और लास्ट में एक और चीज, एक और क्वेश्चन, ये इसमें आया, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो, उसने कहा ओवरहेड वेल्डिंग के लिए आप किस हिसाब का, किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रोड्स का, क्या पोलैरिटीज रखेंगे। देखो, ओवरहेड वेल्डिंग में ऊपर की साइड ऐसे वेल्डिंग होगी, इस तरह से वेल्डिंग करते हुए चलेंगे। ओके, इस तरीके से, अगर ये हमारा जॉइंट है, इधर से यहाँ पे नीचे खड़े हैं और ऐसे ऐसे वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर वो सपोज करो जो वेल्डिंग करा उसके मुंह पे डल जाए, वो जो भी उसका जो स्लैग वो भी बन रहा है, वेल्ड मेटल जो बन रहा है, अगर उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो आ सकता है वो मुंह के ऊपर ही, आता ही है, बल्कि रिस्क रहता है, ठीक है, स्पैटर डलते हैं। देखो, ओवरहेड वेल्डिंग काफी क्रिटिकल वेल्डिंग है, इसलिए इसको, इसके सॉल्व करने के, इसको इजी बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस चलती रहती है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स होते रहते हैं। जो मेरे को पता है, जो मैंने नोट डाउन किए, वो मैं आपको तरीके बताया था, ओवर हेड वेल्डिंग, ओवर हीटिंग नहीं, ओवर हेड वेल्डिंग। ओके, देखो, सबसे पहली बात, स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे, इसमें कौन सी स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे, और किसमें, ओवरहेड वेल्डिंग में स्ट्रेट पोलैरिटी, और क्या होगा, मैक्सिमम करंट से, ताकि जल्दी से जल्दी और मिनिमम आर्क लेंथ से हो। ओके, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, और मैक्सिमम विस्कोसिटी हो लिक्विड मेटल की, क्या हो, मैक्सिमम विस्कोसिटी हो। मैक्सिमम विस्कोसिटी से क्या होगा, जब वो ज्यादा विस्कस होगा तो वो नीचे की साइड ग्रेविटी फोर्स उसको पुल नहीं करेगी। ओके,
तो ये था ओवरहेड वेल्डिंग के बारे में, मैंने आपको बता दिया इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम टिग वेल्डिंग को पढ़ेंगे और मिग वेल्डिंग को पढ़ेंगे। एक लेक्चर में हम दो वेल्डिंग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उनका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उनके क्या अलग सी हम उसमें चीज़ है जो क्वेश्चंस भी आते हैं वही मेन पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टाइम भी कम वेस्ट हो। ओके, मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से हर लेक्चर में मैं दो तीन लेक्चर में ये सभी जो प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं इसमें जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको भी देखेंगे। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।